तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से आपकी मैथमेटिक्स की लाइव क्लास होती है बिल्कुल फ्री, लेकिन ये क्लास सिस्टम को अरेंज करने में 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाती है, तो आपको उतना मैनेज करना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका एक्सरसाइज 2.3, यानी कि चैप्टर आपका चल रहा था बहुपद, हिंदी में बोलें तो बहुपद, इंग्लिश में बोलें तो पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एक्सरसाइज 2.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के सभी 5-6 पार्ट जितने थे सब हो गए हैं। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है, मतलब शेषफल परिमेय पर आधारित है। अब शेषफल परिमेय कौन से शैतान का नाम है, ये मैं पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप पीछे की क्लास में नहीं जुड़े थे तो आप उसमें जुड़ जाओ, फिर आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी टॉपिक ख़त्म कर दें, किसी से बात करनी है। अच्छा बेटा, यही करने आए हो तुम? हाँ, बहुत लाते लात पड़ता है, जान लो बात करने वालों को, ऐसे मत समझो बेटा। के तुम तो गड़बड़वा रहे हो यार। तो एक बात बताओ, आप लोग इसके पीछे की क्लास में आप लोग जुड़े थे कि नहीं? सभी बच्चे जुड़े थे ना इसके पीछे की क्लास में कि नहीं जुड़े थे? जुड़े थे ना। तो इसके पीछे की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए थे। तो आज सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, जो कि कह रहा है एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर और प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग दीजिए तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइनली ये कहना चाहता है कि आप रिमाइंडर थ्योरम ठूसिए इसमें और उत्तर निकालिए। जैसे देखे नहीं हो, क्या बोलते हैं, जूस वाली मशीन देखे हो, मौसम्मी छील छील के उसमें डालते हैं, जूस निकलता जाता है। तो वैसे इसमें क्या करना है तुम्हें, मौसम्मी तो नहीं डालना है, लेकिन हाँ इसका वैल्यू इसमें डालना है, मतलब पुट करना है, रखना है इसका मान निकाल के और उत्तर निकल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं भाई। मनोज यादव, प्रीति विश्वकर्मा, अंकुर विश्वकर्मा, हिमांशु, के यादव, सत्या, लाखों खजाना, अनूप, विवेक, प्रशांत, सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है। तो बच्चे मैंने अभी कुछ लाइन किया था उसको समझा देता हूँ, क्योंकि अभी दूसरे चैनल पे लाइव हुआ था। मैं पहले देखता हूँ ये फंस वस भी रहा है का, हाँ क्लास फंस रही का नहीं ना, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पी ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे और इसको q ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ये p ऑफ x है, ये q ऑफ x है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो ये मैंने उतार लिया और ये मैंने उतार लिया, मतलब ये चचा हैं, ये बेटवा हैं, इनको इनसे भाग देना है। अब ऐसे समझ लो तुम गधा है हो एकदम से, जैसे 4 में 2 से भाग करते हो ना, 4 में 2 से भाग करते हो, तो 2 क्या है, 2 आपका q ऑफ x है। ये जो ऐसे बना रहे ना, इसको q है, ब्रेकेट में x लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं q ऑफ x। ऑफ मतलब रहिए चचा रहेंगे ना छोटके वाले, ऑफ मतलब इसका नाम बोलोगे, इसका बोलोगे, इन दोनों के बीच में इसको लाके ढकेल दोगे, q ऑफ x। ये बोलना सीख लो कम से कम। मान लो हम कहें कि चलो क्वेश्चन पढ़ो, तो तुम कहोगे गुरुजी q है, ऐसे ऐसे बना है, फिर बीच में x है, तो तुमको सब बेवकूफ़ समझेंगे। तो इसलिए पढ़ना सीख लो, बोलना सीख लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब शेषफल परिमेय में हमने आपको पढ़ाया था बच्चा, रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ाया था कि जब ऐसी स्थिति आती है तो हम शेषफल परिमेय से करते हैं, ये मान निकाल के यहाँ लिख देते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। हमने q ऑफ x को 0 के बराबर कर दिया। कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, कौन ये अधिकार दिया मुझे, शेषफल परिमेय के द्वारा। शेषफल परिमेय में ये सिखाया गया है कि आप इसे q मतलब भाजक को 0 के बराबर करके यहाँ से आप वेरिएबल का जो मान है वो निकाल लोगे, वेरिएबल यानी चर पद का मान निकाल लोगे, जो कि मुझे a मिला है। हाँ, अब ये मान ला करके यहाँ रख दोगे, चलो फी ऑफ x में ला करके वो मान रख दोगे। तो पहले तो मैं फी ऑफ x यहाँ पे लिख लूँगा एक बार, जिससे आपका क्लियर हो जाए। हाँ तो बेटा x का मान a आया है, तो तुम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या रखोगे, a रखोगे, ठीक है। तो वहाँ वहाँ पर a रखोगे, तो ये a का क्यूब हो जाएगा माइनस, ये a पहले से है और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 into a माइनस a। कौनों बताएगा कितना आएगा, गुलशन कुमार, आयुष का आ रहा है, ठीक है, तुम भी किसी से कम नहीं हो, अच्छा है। अभी अभी नाम ले लेके सबका कमेंट करो, फिर कहना है सर जी मुझे तो ऐसे बोल रहा है, तो तुमको ना एक पड़ाका मारेंगे, a का क्यूब माइनस a का क्यूब प्लस 6 a माइनस a। देखो बच्चा ये प्लस a क्यूब है,
दूसरा वाला माइनस ए का क्यूब है, हा? तो ये दोनों कट मर जाएंगे अपना, फाइनल में इनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा और बचेगा 6a - a = 5a बचेगा। ये वैसे कट जाएंगे जैसे चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम हमारे यूपी में कटते मरते हैं, हाँ, कोनो पीला बांध लेगा, कोनो नीला बांध लेगा, कोनो लाल पगड़ी बांध लेगा, सब अलग अलग पार्टी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेता लोग उनकी बजाते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ चलो, तो आपसे भी इस क्लास के माध्यम से हमारा एक ही अनुरोध होगा कि अगर आपका कोई दोस्त है वो किसी भी जाति समुदाय का है, अगर आप किसी अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं राजनीति में वो अलग, तो आपको आपस में बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका दोस्त ही आपका सहयोगी बनेगा, आपके नेता मंत्री आपका कुछ नहीं करेंगे, तुम मर जाओ उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, चुनाव में जा करके तुम ताली बजाओ, बस उनका इतने मतलब है, समझ रहे हो ना, इस बात को ध्यान रखना। तो जाति समुदाय के आधार पर भेदभाव दिल में बैर बिल्कुल मत रखना मेरे यार, बिल्कुल भी नहीं। चलो, हाँ समझ में आया ना, तो ये लिख लिए, पहला हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सामने से हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। गोपी यादव, स्टडी चैनल, बलराज बोस, ठीक है बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लोकुश, यूपीएससी गर्ल, वेरी गुड। बलराज, अभिनय। चलो, सेकेंड टर्म में एग्जाम में आया सीबीएसई का गाइडलाइंस है, कहाँ है बता रहे हो, गाइडलाइंस वाइंस बाद में देखना, पहले पढ़ो। चलो हो गया, तो मैं इसको मिटाता हूँ बच्चा, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को कोई बात हमसे कहनी है जो यहाँ पर हम नहीं सुन रहे हैं आपकी, तो आप देखो नंबर चल रहा है नीचे, हेल्पलाइन नंबर, आप हमें उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में, ठीक है ना भैया बाबू, समझ रहे हो ना मेरी बात। चूँकि यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं तो हम कमेंट उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि मान लो 200 से 300 बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, हम कमेंट देखेंगे तो फिर हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, इस वजह से मजबूरी है नहीं देख पाते हैं। तो इसमें का आपका दूसरा हो गया, तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। तीसरा कह रहा है जाँच कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए, उसको चेकअप करिए, क्या करना है कि 7 + 3x + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये तो ऐसे हो गया जैसे पड़ोसी हमारे चचा हैं, उनके एक ठीक खतरनाक लड़का है, हाँ, वो कोनो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब फिर पुलिस कह रही भाई जांच करो इनका लड़का है कि नहीं है, मतलब इनका है या किसी और का है, ये भी कोई बात हुई, तो क्या करेंगे, उसका टेस्ट करवाएंगे भाई ये फलाने का लड़का है कि नहीं। बस वैसे इस क्वेश्चन में करना है, इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, देखो क्या करना है, कह रहा जांच कीजिए 7 + 3x + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है। बेटा अभी तुम लोग का कमेंट में थोड़ा धीमा कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ, ये पता नहीं क्या नालायक एक ठीक सत्यम प्रकाश है, बार बार लिख रहा है सेकेंड चैप्टर मैथ का सेकेंड टर्म में नहीं आएगा, सीबीएसई का गाइडलाइंस है, सेकेंड टर्म में नहीं आएगा तो फर्स्ट टर्म में तो आएगा, हाँ कहीं तो आएगा कि नहीं आएगा, वैसे भी मैं पढ़ा दिया हूँ ख़त्म हो गया बाबू, ये अब गाइडलाइन अब आया है ना, मैं वैसे भी पढ़ा दिया हूँ ख़त्म हो गया, तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ लिए हो तो एक बात और भी दिमाग में अपने रख लो, चीज़ों को सीखना जरूरी है, तुम्हारे सिलेबस में आए पेपर में आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको आना चाहिए, सीखो सीखो, लर्न करो, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना एग्जाम में पास होना नहीं होता है, पढ़ाई करने का मतलब होता है दिमाग का विकास करना, आपकी बुद्धि का जो है ना तेज करना, पढ़ाई का ये मतलब होता है, पेपर में नहीं आएगा नहीं आएगा जाने दो, जानकारी तो तुम्हें हुई ना, सीखे तो पढ़े तो। चलो अब 30 सेकेंड में करो, चलो अखिलेश कुमार बेटा देख रहा हूँ मैं तुम्हें, हाँ नाभ्या गुप्ता होगी, रात 9 बजे रिवीजन होगी, ठीक है चलो। हाँ सभी बच्चे याद रखो, इसी चैनल पर रात के 9 बजे से आपका मैथ का रिवीजन चलेगा, मैथ का रिवीजन रात 9 बजे से पढ़ लोगे ना, कक्षा नौ वालों का रात के 9 बजे मैथ का रिवीजन होगा, पीछे शुरू से एकदम पहले चैप्टर से, तो आना जरूर, ठीक है चलो। तो बेटा ये कैसे करोगे, जांच करना है ना,
देखो अगर मैं तुमसे एक छोटे से लहजे में बात करूं कि बच्चा ये बताओ राजा कि जांच कीजिए सिद्ध कीजिए कि संख्या चार 12 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? फैक्टर बोलते हैं। तो जांच कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए कि 12 का फैक्टर 4 है। बताओ सिद्ध करके बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ सभी, है या नहीं है या नहीं है, बताओ। देखो अब तुम कहोगे हाँ गुरुजी इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कुछ लोग क्यों नहीं पता होगा। चचा अगर तुमको यह नहीं पता है ना तो पानी पी लो ठंडा, आराम से बाल बाल कंघी कर लो, मुंह धुल लो और PVR स्टडी चैनल नंबर 1 पर जा करके बेसिक मैथ पढ़ो। हाँ क्योंकि अब इसके नीचे नहीं गिरने वाले हम, बेसिक में नहीं जाएंगे, बेसिक पढ़ो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो 4 से इसको काटोगे तो कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा तो 12 आएगा, 4 3 12, यानी 12 का गुणनखंड क्या है मतलब 4 है ऐसा समझ लो, ठीक है, फैक्टर है ये। देखो कौनो बता रहा नहीं है, रिशु तिवारी, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बरसा सिंह, मनोज को ब्लॉक करें, कबे लौंडे, हाँ ऐसे बोलवाएगा का आप? फिर कहोगे कि गुरुजी तो ऐसे बोल रहे हैं, कुछ ऐसे नालायक हैं, वो क्या करेंगे, उतना काट लेंगे 10 सेकंड का, कहेंगे अरे तो गुरुजी ऐसे क्लास में बोल दिए, ऐसा कहे बोल दिए, और यहाँ ये डंडा करके रखे हैं लोगों के, उसको नहीं बताएंगे, नहीं उसको नहीं बताएंगे कि हाँ मतलब हम क्या कर रहे हैं। जांच कीजिए, चलो ठीक है जांच करते हैं, छोड़ो इसको। ये पी ऑफ एक्स है जो मेन वाला है और ये इतना है, ये क्या है क्यू ऑफ एक्स 7 + 3x। तो इसको क्या करना है, जांच करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है। तो इसमें शेषफल परिमेय लगाओगे, अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा, अगर गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा। ऐसे समझ लो चचा जैसे मैंने अभी बताया था कि 12 का जो गुणनखंड है वो 4 है, 12 का गुणनखंड क्या है 4 है। तो अगर हम 4 से इनको भाग करेंगे तो ये 4 3 12, मतलब शेषफल क्या आएगा 0, शेषफल 0 आएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि कक्का ये बताओ 17 का गुणनखंड 4 है क्या, 17 का गुणनखंड 4 है कि नहीं है, बताओ बोलो बेटा। मनोज सिंह पढ़ लो पढ़ लो, 5 मिनट तुमको छुट्टी पे कर दिया हूँ, चलो। तो 17 का गुणनखंड 4 नहीं है, नहीं है ये इसका फैक्टर नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इससे हम इसको भाग करते हैं तो 4 चौका 16, ये शेषफल आ जाता है, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, ये संतुष्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है, इसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वो बच जाती हैं, उनका नाम है 1, समझ गए ना, शेषफल 1 आ गया ना, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचा, पूरा फिनिश हो गया, तो ये क्या इसका गुणनखंड है। उसी तरह से अगर हम इससे इसको भाग करेंगे और शेषफल 0 आ जाएगा तो लिखेंगे इसका गुणनखंड है, और अगर नहीं आएगा 0 तो लिखेंगे इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना। चलो देखो समझो, अब इधर साइड में समझो। तो भाग करने का 2 तरीका है, एक तो हम डायरेक्टली भाग कर दें और एक शेषफल परिमेय का प्रयोग करके भाग करें। तो डायरेक्टली भाग करना बाबू बड़ा महंगा पड़ता है, डायरेक्टली का मतलब जैसे 7 + 3x और +3x³ + 7x, अगर हम इसको इससे भाग करेंगे ये लंबी विधि वाली, तो ये बड़ा कठिन पड़ जाता है। फिर तुम लोग कहोगे गुरुजी समझ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ भग के जा रहे हो, हाँ तब ये प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे साथ, समझ नहीं पाओगे। देखो समझो, तो इसको हम क्या करेंगे, शेषफल परिमेय प्रयोग करके लगाएंगे, यानी रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे और फिर हम इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे लिखो आप शेषफल परिमेय से, लिखो दिख रहा है ना, शेषफल परिमेय से बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है बाबू कि इसे आप 0 के बराबर कर सकते हो, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, -7/3 आएगा, कितना आएगा 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 इधर जाएगा गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, इतना ठीक है। सत्य प्रकाश समझ में आ रहा है, अंकुर विश्वकर्मा, चेतन, प्रियंका, जितेंद्र,
बाबू देखो चैटिंग ना करो, अभी तुम लोग की जिंदगी थोड़ा पढ़ने लायक है। हम लोग के जैसे आधा बुढ़ा हो जाओ तब करना ये सब, एक टाइम होता हर चीज़ का, समझ रहे हो ना। अभी 9th में पढ़ते हो पढ़ लो, अभी जिन लोग को ज़्यादा चरस चढ़ी है ना वो ठंडा ही जाएंगे, कुछ दिन बाद फेल वेल हो जाएंगे 9वीं में, 10वीं भी फेल हो जाएंगे, तो बाबू कहेंगे बेटा चलो तुम भाई चराओ अब। और शहर बाहर में हो कोई बिजनेस उजनेस है तो पापा उसमें नाद देंगे, दुकान पे चल बैठ रहे, बैठ दिन भर बैठ, पढ़ रहा ना लिखता, फालतू पैसा खर्चा करवा रहा, चल। तो यही होगा, इसलिए क्या करो पढ़ लो, अभी टाइम है पढ़ लो चलो। तो ये हो गया, अब ये मान रख दो अगर वो जीरो आ गया तो लिख देना गुणनखंड है, और अगर नहीं आया तो क्या लिखोगे, गुणनखंड नहीं है। लिखो यहाँ पे, अब आप इसमें मान रखोगे पी ऑफ एक्स इक्वल 3x का क्यूब प्लस 7x, इसमें क्या रखोगे, इसमें मान रखोगे, तो बेटा ये पी ऑफ माइनस का 7/3 रखोगे, याद रखना माइनस का 7/3, तो 3 इंटू ये माइनस का 7/3 इसका क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस का 7/3 का। भैया चचा ये तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, हो जाएगा का हाँ, बहुत बड़ा हो जाएगा मुझे लग रहा है, ये इसे आसान नहीं है। कुल मिला के इससे फाइनल है कि जीरो तो नहीं आएगा, ये जीरो तो नहीं आएगा, क्यों देखो भाई साहब ये 3 × 7 = 49 = 343 होगा, तो ये -343 होगा, और 3 × 3 = 9 = 27 होगा, और ये का होगा 7 × 7 = 49, माइनस का 49/3 होगा, तो ये माइनस भी हो जाएगा फाइनल में, ये जीरो होगा नहीं, इसको हल करने का कोई मतलब नहीं है भाई। पहले से इसके लक्षण लग रहे हैं तो हल करने से क्या मतलब है, हल करने से कोई मतलब है नहीं, हाँ कोई मतलब इसको हल करने से है ही नहीं। तो हम नीचे लिख देंगे, नीचे लिख दो इतना करने के बाद, इतना कर लो उसके बाद छोड़ देना इसी पे चाहे, हाँ चाहे तो हल कर लेना आगे फाइनल कर लेना, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जीरो नहीं होने वाला, मुझे पहले से उसके लक्षण दिख रहे हैं वो जीरो नहीं होने वाला है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो लास्ट में आप नीचे ये लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल जीरो, अतः, क्यों यही तो था ना, ना 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 क्यू ऑफ एक्स ऐसा नहीं लिखोगे, एक मिनट रुको, ऐसे लिखोगे पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, ये डज नॉट इक्वल जीरो, आता है, देखो हम पी ऑफ एक्स इसको मान रहे हैं और क्यू ऑफ एक्स इसको मान रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट ना लिख करके कोड भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन उसका मतलब वही होगा, ठीक है। अतः क्यू ऑफ एक्स फिर कामा लगा के बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जागृति समझ में आ रहा है, सौर्यावस्थी यूपीएससी गर्ल मनोज लीडर गेमिंग, बेटा देखो तुमको इतना मारेंगे ना कि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो काम करना शुरू कर देगा, इतना बड़ा नालायक है, देखो इसको ब्लॉक करो भाई, इसे ब्लॉक करो तुरंत, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा हो जाते हैं, इनके माँ बाप भी गलती कर देते हैं मुझे ऐसा लगता है, हाँ क्योंकि अगर प्लान से पैदा करे होते इनको तब इनकी बुद्धि कुछ होती, मुझे लग रहा है वो भी कुछ मिस्टेक कर दिए तभी आ गए, ऐसे ही है। चलो छाप लो इसको, छाप लो, हाँ इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, 3x नहीं, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, लिख लो जल्दी से, मैं हट गया हूँ सामने से, मिटाता हूँ फिर, जल्दी करो मैं मिटा दे रहा हूँ। LS वर्मा, संजना कुमारी किसका नाम ले रहा है, कौन ले रहा है, नरेश बेटा पढ़ लो बाबू। अब एक बात मुझे सभी बच्चे ये बताओ, किसके किसके पास किताब नहीं है, जिसके पास नहीं है बोलो नो,
जिसके पास है बोलो यस। किताब है क्या आपके पास? एनसीईआरटी वाली बुक लिए हो बेटा, तब समझ में आएगा, बिल्कुल मस्त तरीके से आएगा। और अगर बुक नहीं लिए हो तो फिर नहीं समझ में आएगा, तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, समझ रहे हो ना? किताब लेके बैठो तभी मजा आएगा। हाँ, 490/9 आएगा, ठीक है, सही कह रहे हो। चलो, बुक लिए हो ना? विनोद सभी लियो ना? चलो ठीक है। सिद्धार्थ, रतन, अभिनय, राहुल, अभिषेक, रीडिंग क्लासेज, देखो कमाल कमाल के गुरुजी हैं, हैं? तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। 2.3 हैज बीन इंडेड, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे ना, फिनिश्ड हो गया। तो 2.3 फिनिश हो गया, तो अब शुरू होगा 2.4। ओके, चलो तो 2.4 पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, नॉट प्रॉब्लम। सलोनी, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा कमेंट बड़ा खतरनाक है। हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों से ही ये दुनिया गरुआ रही है। नहीं बोलूँगा ये क्या बोल रही हैं, फिलहाल आप लोग देख लिए होंगे। तो बच्चा 2.4 एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज 2.4 आज पढ़ा देना चाहिए या नहीं ये बताओ, कल पढ़ाया जाए। अबे पहला क्वेश्चन है, काहे नंबर 4 डाल रहे हो? 2.4 आज पढ़ाया जाए। भारतीय भवन बुक है, अच्छा, कोई भी बुक है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है, तो सबके लिए होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे बेटा तो सबके लिए है। कोई भी बुक लिए हो, किसी भी प्रकाशन राइटर की है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलो ठीक है, देखो अभी मुझे कुछ लाने जाना है, दूध लेने जाना है, शाम को देर हो जाती, दूध भी नहीं मिलता है। हाँ, तो फिर वैसे काम चलता है। चलें, तुम लोग से बता दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग अपने हो। गंदालाल, इनका नाम भाई बड़ा अजीब टाइप का है। ये गंदालाल में जो बोल रहा हूँ ना, इनका नाम गंदालाल है। ठीक है भाई गंदालाल, चलिए तो ये अगला एक्सरसाइज पे आओ। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है? फिर से सुनो, बंद हो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है? ये क्या करना है? ये बताना है। क्या करना है? ये बताना है। चलो फिर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित बहुपदों में से ना, तो इसका जो पहला बहुपद था भैया भाऊ, वो था x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1। तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं है? बोलो हाँ या नहीं। यूपीएससी गर्ल, हाँ बताइए, जवाब दीजिए। नीलिमा, नाब्या, आयुष्का, रूबी द्विवेदी, पंकज, राजकुमार तिवारी, सूरज सरोज, बेटा जवाब दो जल्दी जल्दी फटाफट, 5 घंटा ना लगाया करो। हाँ चलो 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 चलो। पूनम देवी, प्रांजल, वर्तिका, ये कौन का लिख रहा है? आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करो कृष्णा कुमार यादव हिंदी स्टोरी एंड सब्सक्राइब। कमाल के हो यार तुम तो राजा, तुमसे तो हम भी फ्रेंडशिप करेंगे, अभी रुक जाओ पढ़ा लें तब। चलो, कह रहा है इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, इसके लिए क्या करोगे भैया? इसमें अब फैक्टर नहीं, अब यहाँ पे गुणनखंड परिमेय लगाओगे। क्या लगाओगे? गुणनखंड परिमेय। अभी तक भागफल वो शेषफल परिमेय लगा रहे थे, अब गुणनखंड परिमेय लगाओगे।
तो देखो समझो, जो कहानी पहले थी वही कहानी इसमें भी है। अगर ये इसका एक गुणनखंड होगा तो इससे इसको भाग करने पर जीरो आएगा। कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, जैसे भाग में था बाबा वैसे इसमें भी है, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो चलो देखो इधर समझो। एके जी बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, बहुत दिन बाद आपका कमेंट आ रहा है मुझे लग रहा है। नैना सिंह, इसका आंसर जीरो होगा। पागल ही नहीं होगा एकदम, जीरो वीरो थोड़ी लाना है, इसमें बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। अगर आंसर जीरो होगा तो लिख देना हाँ, ये फलाने बहुपद का ये फलाना जो है एक गुणनखंड है। अब फलाना फलाना का मतलब जो दिख रहा भाई, चलो लिखो लिखो, यदि हल लिखो, यदि सुंदर सुंदर लिखना, x प्लस वन बहुपद यक्स क्यूब प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है, लिख लो। तो इससे इसको भाग करने पे क्या आएगा? जीरो आएगा। हम इसको मान लेते हैं p ऑफ x, इसको मान लेते हैं q ऑफ x। लेकिन अभी तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे ना। एक काम करो, ये कहानी लिखने के पहले ऊपर लिखोगे, इसको लिखने के पहले ध्यान से सुनो, जिससे थोड़ा आसान हो जाए, लिखना ना पड़े। हाँ बेटा इधर समझो, एक मिनट सुनो, ये जो लिख लिया है वो मिटाएगा नहीं, वैसे तो तुमको लिखना नहीं, पहले समझना है, पहले छापना नहीं है। तो हम यहाँ से हल कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। तो तुम सबसे पहले लिखोगे माना, अब माना यक्स का क्यूब प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन इक्वल पी ऑफ एक्स, और यक्स प्लस वन बराबर क्यू ऑफ एक्स। ये तुम सबसे पहले मान लोगे तब कुछ करोगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को लिख लिए, लिखने के बाद पहले ये लिखोगे माना, या फिर इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट्स एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल पी ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस वन इक्वल क्यू ऑफ एक्स, इसको मान लोगे। मानने के बाद नीचे लिखोगे यदि, अब तो तुम दूसरे लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो आसान भाषा में, यदि पी ऑफ एक्स उल्टा हो रहा है, यदि क्यू ऑफ एक्स बहुपद, क्या बहुपद? देखो अब यहां समझो शॉर्टकट में, क्योंकि आपको एग्जाम में करना बेटा, तो यहाँ पे ये पूरा बहुपद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक कोड भाषा मान लिया है उसे। यदि q ऑफ x बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो क्या होगा? ऐसे लिखोगे q ऑफ x से भाग करोगे किसको? p ऑफ x को भाग करोगे, ये ऐसे इक्वल जीरो होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, लिखना पूरी कहानी जो लिख रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अमित सिंह बेटा तुम दूसरी आईडी से आ गए ना, हाँ दूसरी आईडी से आ गए ना तुम। मनोज सिंह बच्चा तुमको तो मैं मन कर रहा कि ब्लॉक कर दूँ, क्या कह रहे हो, सही रहेगा कि नहीं? पढ़ना तो तुम चाहते हो नहीं, हाँ पढ़ना तो चाहते हो नहीं। चलो संजना समझ में आ रहा है, हाँ लहंगे में वाइफ ये इनका नाम है भाई, क्या खतरनाक नाम है, मैंने तो पढ़ दिया वैसे मुंह में आ गया, नहीं पढ़ने वाला पढ़ने लायक नहीं था। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे नाम बना लेते हैं सब, क्या कहूँ। चलो ये हो गया, तो अब क्या करेंगे? अब हम इसे ट्राई करेंगे जैसे मैंने कहा था उस तरह से, लिखो चलो करो। अब इतना पहले माना था, फिर इसको लिखा, इसको लिखने के बाद अब नीचे लिखेंगे शेषफल परमीय से, क्या लिखोगे? शेषफल परमीय से मतलब बाई रिमाइंडर थ्योरम। बाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा बाबू? क्यू ऑफ एक्स इक्वल जीरो होगा। वही तरीका पूरा करोगे जो अभी तक करते आए हो, हाँ जो अब तक करते आए हो वही प्रक्रिया पूरा करोगे इसमें भी,
ठीक है, समझो इसको कर लो। अब इसका मान क्या है, x प्लस वन है इक्वल जीरो है, तो यहाँ से तुम्हें x का मान वन आएगा। कितना आएगा, वन आएगा, वो भी माइनस में। कितना आएगा, वन आएगा माइनस में। देखो नहीं दिख रहा है तो बता दो, दिख रहा ना भैया? हाँ ये लो मैं दिखा दिया हूँ। चलो यहाँ से क्या आएगा मान, वन आएगा, इतना लिख लिए। चलो अब यहाँ से तुम निकाल लोगे क्या, ये निकाल लोगे पूरा पूरा फी ऑफ यक्स, यक्स क्यूब प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन, यहाँ से तुम निकाल लोगे इसको तो बेटा ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस यक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इनको हल करके मुझे बताओ जीरो आएगा कि नहीं। अखिलेश कुमार बेटा तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, वही हाल है जैसे ऑफलाइन में होता है, आगे गुरुजी पढ़ा रहे हैं पीछे बचवे अपना बातचीत कर रहे हैं, वही हाल है। तुम सुधरोगे नहीं कहीं, ना ऑनलाइन में सुधरोगे ना ऑफलाइन में सुधरोगे, नहीं सुधरने वाले हो तुम। एक बड़े दिन बाद आए हो सोनम, तुम ही क्या कर ले रही हो यहाँ पे, हाँ केवल बातचीत तो कर रहे हो तुम लोग, बकैती ही तो कर रहे हो, पढ़ थोड़ी रहे हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अभी पूरा करना है, बताओ जीरो आएगा कि नहीं। सोच उचार के बताओ सोच विचार के बताओ, उचार के नहीं। कितना आएगा, धोनी समझ में आ रहा है, सलोनी, अभिनय, चलो चलो बताओ फटाफट। तो बच्चे इसका जवाब बताओ जीरो आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद सेशन को लाइक करो बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रही राजा, फटाफट लाइक करो, देर ना करो। चलो अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन में मिटा दिया हूँ ये माना वाला, मैंने मिटा दिया ऊपर, क्योंकि अब मुझे इसे हल करना है, नीचे जगह है नहीं। हाँ नीचे जगह नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर आएंगे। हाँ समझो सारे मान ला करके इसमें रख देंगे, इनको हल करोगे, माइनस वन का क्यूब तो क्या होगा बच्चा, माइनस वन होगा बाबू, ये प्लस और माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फाइनल में प्लस प्लस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये इतना आएगा यानी जीरो आएगा, लास्ट में क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अगर ये जीरो आ गया तो आप लिखोगे अतः दिया गया बहुपद फलाने बहुपद का एक गुणनखंड है। इतना करने के बाद जो लिखना है मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो, लिखो, क्योंकि p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x इक्वल जीरो, अतः जीरो आ रहा, लिख लो, अतः p ऑफ x का q ऑफ x एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, बस हो गया काम खत्म। विवेक कुमार, सुभाष यादव, प्रीतम विश्वास, और कोई बच्चा, और कोई बाबू फटाफट बता दो ना, कुछ समझ उमझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं आ रहा है। मनोज, पूनम देवी, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ मजा वजा भी आ रही कि नहीं, नहीं तो मैं मजा वाला कुछ करूँ ऐसे ऐसे, हाँ मजा नहीं आ रही होगी ना, मजा वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, साइंस वाला सब्जेक्ट है थोड़ा मज़ेदार, हिंदी उंदी में पढ़ो तो प्रेमी प्रेम का की कहानियाँ बताएं रस अलंकार के साथ, लेकिन हिंदी पढ़ाने का टाइम है नहीं। हाँ रायल मुंडा, सिंधु, कमलेश, स्टडी चैनल, शिवम, धोनी, जितेंद्र, सबको आ रहा है, मतलब वही हाल है, अंदर से जल रहे हो ऊपर से ठंडा रहे हो ना। चलो ठीक है, तो ये आपका हो गया, आप नीचे लिख लो अतः क्या आएगा, वो गुणनखंड है। इसका सेकंड पार्ट देखो बाबू, सेकंड पार्ट देखो, समझो यहाँ पे सोनम राय का देखो, मुंह टूट के दांत निकल गया है, पता नहीं क्या हुआ है, हाँ गिर गई मुझे लग रहा है।
सेकंड पार्ट में बताओ जीरो आएगा कि नहीं, सेकंड पार्ट में शून्य आएगा या नहीं आएगा? हाँ देखो यार यहाँ पे गर्मी बहुत तेज है, ये इसी का प्रॉब्लम है, जो बनता है वही है। अरे ढेर सारी वजह है यार, मलिच्छपन सवार हो जाता है ना तो प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम है कुछ ऐसे ही। आएगा ठीक है, चलो बेटा समझो, अब समझो तुम लोग। सेकेंड वाला कह रहा है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब और प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1। ये कह रहा है कि ये बताओ बच्चा, क्या क्या इस इक्वेशन का x प्लस 1 एक गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ मिस्टर परफेक्ट, मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा। मिस्टर परफेक्ट क्या बोल रहे हो बच्चा, बताओ फटाफट बोलो। सलोनी एंड सलोना, पढ़ाई कर लो, नहीं उठा पटक देंगे ना, भाग जाओगे यहाँ से, समझ रहे हो ना? हाँ चलो, तो अब वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करोगे, सब कुछ वैसे ही करोगे। माना, लिखो माना P ऑफ x इक्वल x का पावर 4 मुझे हंसी आ रही इन लोग के कमेंट से, वो कह रही है आई लव यू स्टडी, क्योंकि उनका क्या है पता नहीं क्या है, स्टडी का मतलब कि उन्हें स्टडी करना है, उन्हें स्टडी अच्छी लगती है, तो ये नालायक लिख रहे हैं आई लव यू बेबी। अभी बताओ इनका कौन समझाए, इनका कौन समझाए, इनकी तो वही हाल है। हाँ जैसे ये नंगे खड़े हैं और इनको देख के कोई हंस रहा है तो ये कहेंगे वाह ये तो मेरे साथ हंस रहा है, मतलब हम बहुत अच्छे हैं इसलिए हंस रहा है, वही हाल इनकी है। तो इसे क्या मान लोगे कि वो ऑफ एक्स, अब शेषफल परमीय से लगा दो, शेषफल परमीय से क्यू ऑफ एक्स को जीरो के बराबर करोगे, एक्स प्लस 1 इक्वल 0, तो ये माइनस 1 आएगा, क्या आएगा माइनस 1। हाँ अब देखो, अब इसमें लाके मान रखोगे p ऑफ माइनस 1, हम क्या रखेंगे जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 रखेंगे, तो बच्चा ये माइनस 1 का घात 4 बनेगा बाबू, ये माइनस 1 का घात 3 बनेगा, ये माइनस 1 का घात 2 प्लस ये x की जगह पे माइनस 1 और प्लस 1, ये पूरी कहानी आपकी बनेगी। अब इसे समझो, समझो और पूरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। UPSC गर्ल को ब्लॉक करें, रुक जाओ इसका थोबड़ा तोड़ता हूँ मैं, रुको। ये 1 आएगा, ये माइनस 1 आएगा और ये प्लस 1 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, ये प्लस 1 आएगा। अब ये ना लायक ये नहीं पूछेंगे कैसे आ रहा है, नहीं इनको कोई मतलब नहीं, इनको चैटिंग करने को मिल जाए बस, मस्त है ये, पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, कक्षा 6 में है, कक्षा 5 में है, 8 में है, उनको सब पता है कैसे कैसे कौन कौन सा सिस्टम है। हाँ इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। अब प्लस प्लस जुड़ जाएगा, ये वन और ये वन, तो बेटा हो जाएगा ये 3 और ये चच्चा, दोनों जुड़ के हो जाएंगे, फाइनल में 1 आएगा। कहो ये तो 0 आया ही नहीं, हाँ ये 0 नहीं आया। चलो आप बताओ, ये नालायक का कह रहा है प्लीज मनोज सिंह हूँ मैं, हमको पढ़ना है, अनब्लॉक कीजिए। अच्छा बेटा तुमको पढ़ना है, तुमको तो पढ़ना है नहीं, तुम्हारे तो बस का नहीं पढ़ना, तुमको अनब्लॉक नहीं करेंगे अभी, तुम्हारी नई आईडी वो भी ब्लॉक कर देंगे। हाँ तुमको पढ़ना नहीं, मैं कई दिन से तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा पढ़ ले लौंडे पढ़ ले, कई लैंग्वेज में बोल रहा लेकिन तुम फिर भी नहीं पढ़ रहा है, कहीं प्रियंका का नाम लेके कमेंट कर रहा है, पूजा का नाम लेके कमेंट कर रहा है, सलोनी को हाय हेलो बोल रहा है,
तुम पढ़ना चाहता ही नहीं तो मैं क्या करूं बताओ, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ, अपनी चाहे जो कर, दूसरे को ना परेशान कर भाई। चल ठीक है, आके ओके। जीरो नहीं आएगा तो अब क्या लिखोगे? अब नीचे लिखोगे, यहाँ पे लिखो पी ऑफ यक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ यक्स डज नॉट इक्वल जीरो, आता है क्यू ऑफ एक्स बहुपद पी ऑफ यक्स का गुणनखंड नहीं होगा। इसको करने के बाद नीचे कहानी लिख लो, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल जीरो। डज नॉट इक्वल जीरो का मतलब है बेटा, इसका मतलब है बबुआ कि तुम जीरो के बराबर करके काट दोगे। हाँ, जीरो के बराबर करके जीरो का चिन्ह काट दोगे, इसका मतलब यह है कि वो उसके बराबर नहीं है। नीचे लिखोगे अतः पी ऑफ पी नहीं क्यू क्यू ऑफ एक्स बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके चलो, बरसा कुछ समझ में आया कि ऐसे बरस रही हो? हाँ ललित चौधरी, जूही, तनु हजारे, रविशंकर, शुभम यादव, मुकेश, डीके सैनी, कुछ दिमाग उमाग में आ रहा है? बुझा उझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? हाँ मुझे पता है 8 बज गया है, तुम लोग को लगी है, मुझे मालूम है, हमें भी लगी है, बंद करने वाला हूँ जल्दी ही। अरे मतलब क्लास बंद करने को लगी है, अब तुम लोग कुछ और मत समझो। चलो बताओ ये मुझे कितना लोगों को समझ में आया, हाँ या नहीं? समझ में आया या नहीं आया? हाँ समझ में आया या नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। बेटा एक चीज़ सुन लो, अभी रात के 9 बजे से इसी चैनल पे तुम्हारी एक रिवीजन क्लास चलेगी, रात के 9 बजे से इसी चैनल पे तुम्हारी एक रिवीजन क्लास चलेगी, उसे ज़रूर पढ़ना। पढ़ोगे ना? सभी बताओ कितने लोग पढ़ेंगे? चलो मैं एक कोटिंग करवा लेता हूँ, एक मिनट में एक कोटिंग करवा लेता हूँ कि रात के 9 बजे से कितने बच्चे आएंगे। और एक बात जान लो बेटा, अगर बोल दिया तो आना पड़ेगा, झूठ मत बोलना। नहीं आए ना तो कल इस क्लास में नहीं पढ़ने देंगे हम। हाँ तो बता के जाओ सही सही, आओगे कि नहीं आओगे? मैं क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, रुके रहो। क्या आप 9 PM वाली क्लास, उसमें रिवीजन होगा याद रखना, देखेंगे। देखो मैं एक वोटिंग करवाया हूँ पोलिंग में, जल्दी से सभी बच्चे वोट करो। चलो फटाफट वोट करो, आप रात 9 बजे वाली क्लास में आओगे या नहीं आओगे? रात 9 बजे से रिवाइज करवाने वाला हूँ तुम लोग का, तो बेटा क्या चाहते हो करो शुरू से एकदम। बहुत अच्छे, 24 बच्चे और जिसमें से 62% बच्चे चाहते हैं कि आएंगे वो। अरे वाह, 75% हो गया चाचा, यानी रात के 9 बजे वाली क्लास में तुम सब आओगे दिल खोल के, पढ़ोगे ना। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम रिवाइज करेंगे, जब हमने शुरू किया था उसमें का एक क्लास अभी तक कल मैंने रिवाइज करवा दिया था परसों में, उसके आगे रिवाइज करेंगे। देखो बेटा दो क्लास चलेगी साथ साथ में, एक तो जहां तुम पढ़ रहे हो ये चलेगा, दूसरा चैप्टर ख़त्म होने वाला तीसरा शुरू होगा, और एक एकदम पीछे से चलेगा पहले चैप्टर से, जो गधा टाइप के छूटे पीछे भेड़िया टाइप के उन्हों आगे हैं उनका भी घिर रहे रहो, हाँ समझ रहे हो ना। और जो हमारे शेर टाइप के हैं आगे बढ़ रहे हैं वो तो उसके साथ चलेंगे, ठीक है। अच्छा चाचा ये बताओ, जो 26% है जो नहीं आएंगे वो का नानी के नरिये उड़े जाएंगे? हाँ कहाँ जाओगे बताओ, रात के 9 बजे क्यों नहीं आओगे? सोना है? हाँ जो मजा है सोने में वो नहीं दुनिया के किसी कोने में, ठीक है सो जाओ सो जाओ। 27% हो गए अब, चलो तो 100 वोटिंग अभी तक हो चुकी है, 100 बच्चों की वोटिंग में से 75% से अधिक बच्चे हैं जो आएंगे। आप भी वोटिंग करो जल्दी से, रात के 9 बजे वाली क्लास में देखोगे या नहीं देखोगे? इसी चैनल पर PVR Study 2.0 पर ही, PVR Study 2.0 पर ही, ठीक है बेटा। तो इस क्लास को मैं यहीं पे बंद करता हूँ, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ इस क्लास को लाइक करके जाना अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो अगली क्लास भी, और लाइक करने के बाद क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना बाबू? क्लास को लाइक करने के बाद शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं, जिससे कि किसी का भला हो सके और सब लोग आगे बढ़ सकें।
ठीक है बेटा, तो इस क्लास को मैं यहीं पे तो शेयर कर दे दाना बाबू, शेयर करके जाना सभी, शेयर करके जाना बिल्कुल भी, सभी को शेयर करके जाना। हाँ तो बंद कर देता हूँ मैं आज का सेशन, बहुत बहुत थैंक यू, रात के 9 बजे से फिर आना, रिवाइज करेंगे। जिनको बेसिक सीखना है वो PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर रात के 9 बजे देखेंगे, जिनको बेसिक सीखना है वो PVR स्टडी के इलाहाबाद चैनल पर रात के 9 बजे से देखेंगे, जिनको 9th का पढ़ना इस चैनल पे आएंगे। हाँ चलते हैं फिर। हाँ एक चीज़ यहाँ पे और बता दें बेटा, मुझे लग रहा है रुक गया वीडियो का, हाँ रुक